उज्जैन में महाकाल मंदिर की महाशिवरात्रि देखने के लिए और शिव कृपा पाने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। इस दौरान पूरी उज्जैन नगरी शिवमय हो जाती है। महाशिवरात्रि से पहले महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इसे शिवरात्रि भी कहा जाता है। इसमें भगवान महाकाल 9 दिन में 9 रूप में दर्शन देते हैं। भगवान महाकाल के इन अलग अलग रूपों का दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त आते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि 29 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी, जो 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर समाप्त होगी। महाकाल में शिव नवरात्रि या शिवरात्रि में महाकाल के 9 अलग अलग रूप में विशेष श्रृंगार होंगे। जाने महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा से। देखिए, भगवान महाकालेश्वर जो है, इनकी जो चल मूर्तियाँ हैं, जिस प्रकार से उन मूर्तियों को श्रावण मास में भी सवारियों में निकाला जाता है, और शिवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इसमें अलग अलग प्रतिमा भगवान के ऊपर धारण कराते हैं, जिससे कि भक्त उन प्रतिमाओं का दर्शन लाभ ले सके। नवरात्रि पर्व बड़े धूम से मनाते हैं। छठ को भी फिर ऐसी ही प्रक्रिया है, अभिषेक पूजन, और छठ शाम को जो छठ पर्व होता है उसमें भगवान के ऊपर वस्त्र वही धारण किए जाते हैं, और उसके साथ में शेष नाग भगवान के ऊपर धारण कराया जाता है। ये प्रतीकता होती है कि भगवान के गले में जो शेष हैं वो इस पृथ्वी की वजन को अपने सर पे रखे हुए हैं, और भगवान उन शेष नाग को अपने गले में धारण किए हुए हैं, उसका दर्शन स्वरूप है ये। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।